नदी का जादुई लाल लिपस्टिक और लहंगा। गंगापुर नामक गांव में प्रिया और शिवानी नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों ही बहुत छोटी थी। एक रात उसके पिता मजदूरी करके घर लौट रहे थे, तभी अचानक एक कार की चपेट में आ जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रिया की माँ सुनीता किसी तरह अपने आप को संभालती है और खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों के लिए दिन रात मेहनत करके सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। सिलाई करके भी सुनीता अपना और अपनी बेटियों का परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही थी। वह खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों का किसी तरह से पालन पोषण करती थी। सुनीता को भूखे रह रहकर काम करने की वजह से एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तभी शिवानी अपनी बड़ी बहन प्रिया से कहती है, दीदी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दीदी माँ हमारे साथ कोई खेल खेल रही है क्या? बताओ ना दीदी, माँ को क्या हुआ है? माँ माँ प्लीज माँ उठो ना माँ, अब बोल क्यों नहीं रहे हो? शिवानी माँ अब हमसे कभी बात नहीं करेगी क्योंकि वो हम दोनों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुकी है और अब हम दोनों बहनें अनाथ हो गए हैं। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी बहन। ऐसा बोलकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया हिम्मत करके अपने आप को संभालती है और वह अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए अपनी माँ की तरह ही सिलाई करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन शिवानी अपनी बड़ी बहन प्रिया से कहती है, दीदी कब तक आप ऐसे ही काम करती रहोगी? चलो उठो, अब चलकर खाना खा लो। दीदी बहुत रात हो चुकी है, बाकी का काम आप कल कर लेना। नहीं शिवानी, तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे तो अभी एक सूट और सिलना बाकी है। अगर मैं मेहनत करके सिलाई नहीं करूँगी तो हमारा पेट कैसे भरेगा? पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है दीदी, अब मैं भी आपके साथ कपड़े सिलने में आपकी मदद क्या करूँगी। और फिर दोनों बहनें मिलजुल कर काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था, दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। तभी एक दिन पड़ोस में रहने वाली बिमला काकी प्रिया के घर आती है और प्रिया से कहती है, अरे ओ प्रिया, प्रिया कहाँ है? अंदर आ जाओ काकी, मैं अभी प्रिया दीदी को बुला कर लाती हूँ। तभी बिमला काकी घर के अंदर आती है और प्रिया से कहती है, अरे ओ प्रिया बेटी, मेरी बेटी नेहा का लहंगा सिल गया है क्या? हाँ हाँ काकी, लहंगा सिल गया है। आखिर मैं भला अपनी सहेली नेहा की शादी को कैसे भूल सकती हूँ? ये लो काकी, ये रहा नेहा की शादी का लहंगा। अच्छा ठीक है, और हाँ सुनो, नेहा ने तुम दोनों बहनों को भी शादी में बुलाया है तो तुम दोनों बहनें भी आ जाना। ठीक है काकी, हम दोनों बहनें बारात आने से पहले ही पहुंच जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। एक तो तुम्हारी काली सी शकल है, ऊपर से तुम्हारे ये घिसे पीटे मैले कपड़े। अरे मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, हो सकता है इसी बहाने शादी में आए हुए कोई लड़के वाले को तुम पसंद आ जाओ, वरना इस गरीबी और काले रंग की वजह से तुम्हारी शादी तो होने से रही। एक तो तुम दोनों अनाथ हो, ऊपर से काला रंग रूप, मुझे तो तुम दोनों बहनों पर बहुत तरस आता है, पर क्या करूं? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। बिमला काकी की कड़वी बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी शिवानी बोलती है, अरे मेरी प्यारी दीदी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, इनका तो काम है बोलना, इनकी बातों को अपने दिल से मत लगाओ। आप देखना, बहुत ही जल्द आपके ख्वाबों का शहजादा आपको मिल जाएगा। और यह रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान को तो दिल से सुंदर होना चाहिए और आप दिल के बहुत ही सुंदर हो। शादी वाले दिन दोनों बहनें साफ सुथरे कपड़े पहनकर बारात आने से पहले ही नेहा के घर पहुंच जाती है। तभी दोनों बहनों को देखकर नेहा की दादी बोलती है, हे भगवान, ये कैसा घिसा पीटा सूट पहनकर आई हो तुम दोनों बहनें? अरे अपनी खास सहेली की शादी में इतना फीका और बेरंग कपड़े पहनकर आई हो? आज हमारी इकलौती पोती की शादी है, कोई मातम नहीं है जो इतना घिसा पीटा मटमैला सा सूट पहनकर आ गई हो। क्यों रे मनुष्य लड़कियों, तुम दोनों अनाथ बहनें अपनी एक काली कलूटी सी शकल लेकर शादी में आ गई? तुम दोनों को देखकर बारात वाले भला क्या सोचेंगे?
मेरी बेटी के घर बसने से पहले ही तुम दोनों उसका घर उजाड़ने की सोच रही हो। खुद तो तुम दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा और आ गई मुंह उठाकर दूसरी की शादी को बर्बाद करने के लिए। अरे हाँ बहन, कुछ समझाओ इन दोनों अनाथ बहनों को। मुझे तो इन दोनों को देखकर बहुत तरस आता है। मैंने तो इसे लाख दफा समझाया है कि मेरे भाई अमरनाथ से शादी कर ले। माना कि वो दो बच्चों का बाप है, लेकिन पहली बीवी तो मर चुकी है ना। अब इन दोनों बहनों को तो कोई राजकुमार मिलेगा नहीं। फिर भी न जाने इन दोनों बहनों को किस बात का घमंड है जो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आंटी, अब बस बहुत हुआ, बस कीजिए आप लोग। आप लोगों का हम दोनों बहनों पर उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। लो जी, सुन लो इनकी बातें। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छी बातें तो मिर्ची की तरह लगती है, शकल काली कलूटी सी है तब तो इतनी अकड़ है। भगवान ने थोड़ा रंग रूप अच्छा दिया होता तो पता नहीं क्या करते ये दोनों बहने। यह सब सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोते हुए वहां से नदी के किनारे आ जाती है। नदी किनारे आकर प्रिया बोलती है, अब बस बहुत हुआ। माना कि मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, बस सूरत हूँ, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है। अब तो गांव वाले भी ताना मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर दिए हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। यह बोलकर प्रिया नदी में कूदने के लिए जैसे ही अपना पैर नदी में बढ़ाती है, नदी के अंदर अपने आप एक रास्ता बन जाता है और प्रिया सोचती है, अरे ये क्या, ये नदी के अंदर अचानक से रास्ता कैसे बन गया। तभी प्रिया को एक आवाज सुनाई पड़ती है, प्रिया बेटी, तुम इस रास्ते से नदी के बीचों बीच आ जाओ, डरो मत, आओ प्रिया। उसके बाद प्रिया उस रास्ते पर चलते हुए नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। तभी उस नदी में से फिर से आवाज आती है, डरो मत प्रिया, मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं कब से सच्चे और अच्छे दिल के लोगों की मदद करना चाह रही थी, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी सच्चा इंसान नहीं आया। तुम पहली ऐसी इंसान हो जो मेरे पास आई हो। मुझे तुम सच्ची और नेक दिल लगती हो, लेकिन तुम यह बताओ, तुम इस नदी में कूदकर अपना जान क्यों देने जा रही थी। जान ना दो तो और क्या करूं जादुई नदी जी। माँ पिताजी की मृत्यु के बाद मैं और मेरी बहनें अनाथ हो गए हैं। और थोर मेरे इस काले रंग की वजह से मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे खूब ताने देते हैं। हम दोनों बहनें मिलकर किसी तरह से सिलाई करके अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गांव वालों से यह भी देखा नहीं जाता। वो हमेशा मेरे काले रंग को लेकर शादी के लिए ताना देते रहते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा और एक जादुई लाल लिपस्टिक देती हूँ। तुम इस जादुई लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, घर जाकर सबसे पहले तुम इस जादुई लाल लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाना। इस लाल लिपस्टिक को लगाते ही तुम्हारा यह काला सा रंग दूध जैसा सफेद हो जाएगा। यह सुनकर प्रिया खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई लहंगा और लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। तभी प्रिया की बहन शिवानी प्रिया से बोलती है, दीदी आप शादी में मुझे अकेला छोड़कर अचानक से कहाँ चली गई थी। दीदी मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे पता है दीदी, आपको उन लोगों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था ना। दीदी मुझे भी उन लोगों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दो चाटे मारकर आ जाऊं उनके मुंह पर। पर दीदी ये आपके हाथों में क्या है, इतना सुंदर लहंगा और लिपस्टिक ये आपको किसने दिया। दीदी शिवानी अब देखना, यह लहंगा और लिपस्टिक से पूरे गाँव वालों की बोलती कैसे बंद हो जाएगी। शिवानी यह लहंगा और लिपस्टिक जादुई है और यह मुझे जादुई नदी ने दिया है। जादुई लहंगा और जादुई लाल लिपस्टिक, यह कैसे हो सकता है दीदी। रुक जाओ शिवानी, मैं अभी बताती हूँ। हे जादुई लहंगा, मुझे कुछ पैसे दे दो। प्रिया के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पर पैसों की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते वहाँ पर पैसों की ढेर लग जाती है। अरे वाह दीदी, ये तो सच में जादुई लहंगा है। दीदी इस लिपस्टिक में कौन सा जादू है। रुको शिवानी, इस लिपस्टिक की जादू भी मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। इतना बोलकर प्रिया उस जादुई लाल लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है।
लिपस्टिक को लगाते ही प्रिया बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। तभी शिवानी अपनी बड़ी बहन प्रिया से बोलती है, अरे वाह दीदी, आप तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो। आप देखना हमारी प्यारी सी बहन को कैसे राजकुमार जैसा लड़का मिलता है। शिवानी, इस जादुई लहंगा और जादुई लाल लिपस्टिक की वजह से हमें भी इन गांव और समाज में सर उठाकर जीने का हक मिल गया। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है मेरी बहन। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे की मदद से रहने के लिए एक सुंदर सा घर मांगती है और फिर खाने पीने और जरूरत की सारी सामान भी मांगती है। अब दोनों बहनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास अब बहुत सारा धन भी था और सुंदरता भी। अब ये दोनों बहनें अपने साथ साथ गांव के गरीब और असहाय लोगों की मदद भी करती है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रिया के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आता है और प्रिया की शादी पक्की हो जाती है। इतनी खुशियां देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी शिवानी अपनी बहन प्रिया से बोलती है, दीदी आप रो क्यों रही हो, आज तो बहुत ही खुशी वाला दिन है ना। आज आपकी शादी है और आप ससुराल चली जाओगी, अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताओगी। शिवानी, मैं तुम्हारे बगैर ससुराल में अपना जीवन कैसे बिताऊंगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी शिवानी। अरे दीदी आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो, जादुई लहंगे की वजह से अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है मुझे, और अब सब कुछ पहले से बहुत ही अच्छा हो चुका है। और आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, आप खुशी खुशी अपना ससुराल जाओ। शिवानी जादुई लहंगे से ढेर सारे पैसे मांगकर अपने पूरे घर को अच्छे से सजाती है। अब गांव वाले दोनों बहनों के रंग रूप को बदला देखकर हैरान थे कि अचानक ये दोनों बहनें इतना अमीर कैसे हो गई। शादी वाले दिन दोनों बहनें खूब बन ठन कर तैयार हो जाती है। दोनों बहनें बहुत सुंदर लग रही थी। शिवानी को देखकर प्रिया कहती है, अरे वाह, इस गुलाबी लहंगे में तो मेरी बहन बिल्कुल परी की जैसी लग रही है। दीदी आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। और बहुत ही धूमधाम से प्रिया की शादी हो जाती है। वही शादी में आए हुए लड़के के एक दोस्त को शिवानी बहुत ही पसंद आ जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद शिवानी की भी शादी हो जाती है। और फिर इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगी बदल जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल में हंसी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। जादुई पांच फ्रॉक वाला घर। एक समय की बात है, शीतलापुर गाँव में पाँच बहने नीलम, कंचन, सुनैना, आरती और पूजा अपनी बूढ़ी माँ सुलक्षणा के साथ रहा करती थी। और सुलक्षणा के पति के देहांत के बाद सुलक्षणा ने लोगों के घर में साफ सफाई का काम करके अपनी पांचों बेटियों का पालन पोषण किया था। वो दिन रात लोगों के घरों में काम करके अपनी पांच बेटियों की जरूरतों को पूरा किया करती थी और ऐसे ही उनके दिन बीत रहे होते हैं। और कुछ दिनों बाद सुलक्षणा की सबसे छोटी बेटी पूजा का जन्मदिन आने वाला होता है, लेकिन उनकी गरीब हालत की वजह से स्कूल में हर कोई पूजा और उसकी बहनों का मजाक उड़ाया करता था। ऐसे ही एक दिन पूजा की क्लास की एक लड़की मीनाक्षी अपनी दोस्त कोमल से कहती है, कोमल तुझे पता है मेरी मम्मी मेरे लिए बर्थडे पर पहनने के लिए बहुत ही सुंदर और डिजाइनर फ्रॉक लेकर आएंगी और उसे पहनकर तो मैं एकदम परी की तरह लगूंगी। अच्छा तुम बताओ तुम क्या पहनकर आने वाली हो मेरे जन्मदिन पर। मीनाक्षी, मेरी मॉम मेरे लिए फ्रॉक की मैचिंग की बहुत ही सुंदर सैंडल लेकर आई है, मैं वही पहनकर तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगी। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम इन पांच गरीब बहनों को भी अपने बर्थडे पर बुला रही हो। अरे नहीं नहीं, इन पांचों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाकर अपनी इंसल्ट करवानी है क्या, इसलिए मैं इन लोगों को अपने बर्थडे का इनविटेशन नहीं दे रही हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी, इन गरीबों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बर्थडे नाम की भी कोई चीज होती है, इनके लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं और कहा हम लोगों के हर एक दिन खास होते हैं। और हाँ, इन लोगों के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे, तो क्या ये लोग हम लोगों के कपड़ों की बराबरी करेंगे, इसलिए हम लोगों के डिजाइनर फ्रॉक को देख कर ही अपना मन बहला लेना, क्योंकि तुम लोगों की किस्मत में डिजाइनर फ्रॉक पहनना तो लिखा ही नहीं है। इतना कहकर मीनाक्षी और कोमल उन पांचों बहनों का बहुत मजाक उड़ाती है। तभी पूजा की चारों बहनों को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसी समय नीलम कहती है,
तुम लोगों को हमारी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। हम लोग गरीब हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा नीलम, इन लोगों को हमारे इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और नहीं तो क्या, अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। सुने ना दीदी, आप इन लोगों को मुंह मत लगाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को मुंह लगाकर कोई फायदा नहीं है। उसी समय पूजा उन दोनों लड़कियों से कहती है, सुनो मीनाक्षी और कोमल, अगर आज के बाद तुम दोनों ने हमारी गरीबी को लेकर जरा सा भी मजाक उड़ाया तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और ये अपनी अमीरी का घमंड कहीं और दिखाना, हमारे सामने नहीं। पूजा इतना कह रही होती है कि उसी समय स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो पांचों बहनें अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं मीनाक्षी और कोमल की बातों से ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ जाहिर हो रही थी। और उनके इन उदास चेहरों को देखकर उनकी माँ सुलक्षणा उनसे पूछती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम लोग इतना उदास क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? माँ, हमारी गरीबी की वजह से स्कूल में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, और उनकी बातें सुनकर हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। और माँ, आपको पता है कुछ दिनों बाद पूजा का जन्मदिन आ रहा है और इस वजह से भी स्कूल में बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। हाँ माँ, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम लोग ना ही कभी जन्मदिन मना सकते हैं और ना ही अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तुम लोग चिंता मत करो मेरी बच्चियों, मैंने इस बार कुछ पैसे जमा किए हैं, इसलिए मैं तुम पांचों को पूजा के जन्मदिन पर बहुत ही सुंदर फ्रॉक ला कर दूंगी, फिर मेरी बेटियों का कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। सुलक्षणा की बातें सुनकर वो पांचों बहनें बहुत खुश हो जाती है और सबसे ज्यादा खुश पूजा होती है, क्योंकि इस बार वो भी अपना जन्मदिन मना पाएगी और अपने जन्मदिन पर वो भी सुंदर सी फ्रॉक पहनेगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसी बीच जब सुलक्षणा अपने मालकिन के यहाँ काम कर रही होती है, तभी अचानक जीने से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। और अपनी माँ को इस हालत में देखकर वो पांचों बहनें बहुत दुखी हो जाती हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अब नई फ्रॉक नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैंने जितने भी पैसे जमा किए हैं वो सब तो मेरे इलाज में लग गए। माँ आप प्लीज ऐसा मत कहिए। हाँ माँ, हम लोगों को नए कपड़े नहीं चाहिए। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। इसलिए माँ आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, हमें आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और माँ आप चिंता मत करिए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह वो पांचों बहनें अपनी माँ को तसल्ली देती है। और इसी बीच कुछ दिन बाद पूजा का जन्मदिन आ जाता है, लेकिन अभी भी सुलक्षणा की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं आया था, इसलिए वो इस बार भी अपना जन्मदिन नहीं मना पाती है। और ऐसे ही वो पांचों बहनें अपने घर के पीछे वाले बगीचे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रही होती है। पूजा, दीदी वैसे सच कहें तो कोमल और मीनाक्षी की किस्मत कितनी अच्छी है। तुमने सही कहा पूजा, उन लोगों के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हाँ तुमने सही कहा, उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, शायद तभी उन लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड है। हाँ दीदी, आज मीनाक्षी अपना जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रही होगी, और यहाँ मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। हाँ पूजा तुम सही कह रही हो, काश हम लोगों की भी किस्मत अच्छी होती तो हम भी तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाते। इसी तरह वो पांचों बहनें अपने दुखों को बयां कर रही होती है, तभी वहाँ अचानक एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है और वो उन लोगों की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे उन पांचों बहनों पर बहुत तरस आता है। इसलिए वो उन पांचों के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो मैं परीलोक से यहाँ तुम लोगों की मदद करने आई हूँ, और तुम्हारे इन दुख भरी बातों को सुनकर मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन भला आप हम लोगों की मदद कैसे करोगी? उसी समय वो परी वहाँ पर पांच जादुई फ्रॉक वाले घर प्रकट कर देती है और कहती है, ये जादुई पांच फ्रॉक वाले घर है और मैं तुम पांचों को ये देना चाहती हूँ,
और ये जादुई पांच फ्रॉक वाले घर तुम लोगों की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। और अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसके अंदर रह भी सकती हो, लेकिन हाँ, तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें इन जादुई पांच फ्रॉक घर के बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, आज आपने हम पांचों बहनों पर जो उपकार किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, आज आपकी वजह से हम गरीब बहनें भी खुशी का आनंद ले पाएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। और इस तरह से वो पांचों बहनें उस परी का धन्यवाद करती है और वो परी उन लोगों को वो जादुई फ्रॉग वाले घर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो पांचों बहनें अपनी माँ को लेकर अपने अपने जादुई फ्रॉग वाले घर में चली जाती है। उसी समय नीलम अपने जादुई फ्रॉग घर से बोलती है, हे जादुई फ्रॉग घर, आज मेरी छोटी बहन पूजा का जन्मदिन है, इसलिए उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम मुझे एक केक दे दो और मेरी माँ को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो। नीलम के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर सा केक प्रकट हो जाता है और उसकी माँ भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और वहीं वो चारों बहनें भी अपने अपने जादुई फ्रॉक घर से बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े और खाने पीने की चीजें मांगती है और उनकी भी कही हुई सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और उस दिन वो पांचों बहनें भी सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है और पूजा का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। और जब अगले दिन वो पांचों बहनें स्कूल जाती है तो सुनैना और आरती मीनाक्षी और कोमल से कहती है, तुम लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस बार हमने भी अपनी बहन का जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और हाँ, हमने तुमसे भी अच्छी और डिजाइनर फ्रॉक पहनी थी और बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी खाया था। अरे, तुम लोगों को ये झूठे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी गरीबी की सच्चाई अच्छे से पता है, इसलिए ये फालतू का फेंकना बंद करो। अरे, हम लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमें एक परी ने जादुई पांच फ्रॉक वाले घर दिए हैं और हम लोग उसे जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। हाँ, सुनैना बिल्कुल सही कह रही है, अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो तुम लोग स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारे साथ हमारे घर चलकर देख सकती हो। और इस तरह मीनाक्षी और कोमल आरती और सुनैना की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। और उस समय वो तीनों बहनें वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी दोनों बहनों ने मीनाक्षी और कोमल को उस जादुई फ्रॉक घर के बारे में बता दिया है। इसलिए जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद सुनैना और आरती मीनाक्षी और कोमल को अपने जादुई फ्रॉक घर के सामने ले जाकर कहती है, हे जादुई फ्रॉक घर, तुम जल्दी से मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दे दो। लेकिन इस बार सुनैना के ऐसा कहते ही वो जादुई फ्रॉक घर वहाँ से गायब हो जाता है। और ऐसी ही आरती भी जब अपने जादुई फ्रॉक घर से कुछ मांगती है तो उसका भी जादुई फ्रॉक घर वहाँ से गायब हो जाता है। और इस तरह वो बाकी के जादुई तीन फ्रॉक घर भी वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। और इसी वजह से मीनाक्षी और कोमल उन दोनों बहनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। और जब उन तीनों बहनों को इस बात का पता चलता है तो नीलम कहती है, आरती और सुनैना, ये तुम दोनों ने क्या किया? अरे, तुम दोनों इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना उस परी ने हमें क्या कहा था, आज तुम दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। हाँ दीदी, आज आप लोगों की लापरवाही की वजह से वो जादुई फ्रॉक घर हमारे पास नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? तुम सब मुझे माफ कर दो। हाँ दीदी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। उसी समय वो परी वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाती है और वो कहती है, सुनैना और आरती, मैंने उन जादुई फ्रॉक घर के बारे में किसी को बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर ये किसी लालची और बेईमान इंसान के हाथ लग जाए तो वो लोग इसका गलत उपयोग करेंगे। इसलिए अब जब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो जादुई पांच फ्रॉक घर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और फिर से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना
कि उन जादुई पांच फ्रॉग घर की सच्चाई किसी के सामने ना आ पाए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। उस परी के वहाँ से जाते ही वो जादुई पांच फ्रॉग घर वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाते हैं और उस दिन के बाद से वो पांचों बहनें खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉग घर में रहने लगती हैं और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।